नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मध्य प्रदेश के रीवा के नजदीक नेशनल हाईवे 30 पर शुक्रवार रात भीषण हादसा हो गया। बस और ट्रेलर की टक्कर में यूपी के 15 यात्रियों की मौत बताई जा रही है और 40 से ज्यादा यात्री जो है वो घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी है, तब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, ऐसी भी खबर सामने आई है। हादसा जो है वो शुक्रवार की रात 11:30 बजे रीवा से 70 किलोमीटर दूर सोहागी पहाड़ी पर हुआ है। वहीं लोगों का कहना है कि बस पहाड़ से नीचे उतरते वक्त ट्रेलर जो से टकरा गई थी और हादसे में वक्त बस की रफ्तार जो थी वो काफ़ी तेज थी और बस हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी और इसमें 55 से ज़्यादा लोग सवार थे। मरने वालों में ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं और सभी मजदूर हैं। ये दीपावली मनाने अपने घर लौट रहे थे। वहीं हमीरपुर में सर्विलांस सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है और दरअसल आपको बताते चले कि अलग अलग जगहों से चोरी हुए 175 चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन को पुलिस ने बरामद कर लिया है और बरामद हुए सभी 175 मोबाइल की कीमत जो है वो लगभग 30 लाख बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल स्वामियों को उनके संबंधित मोबाइल फोन सौंप दिए हैं और इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने सर्विलांस टीम को ही 25,000 का नगद इनाम भी दिया है। 30 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर हमीरपुर पुलिस द्वारा जो विगत माह से ये एक सतत प्रक्रिया चल रही थी, जिसके प्रयास के क्रम में 175 मोबाइल जो लोगों के खोए हुए थे उनको हमीरपुर पुलिस के सर्विलांस सेल ने इनको बरामद किया है और आज हम इन मोबाइल को इनके जो वास्तविक स्वामी हैं उन सबको सुपुर्द करेंगे। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है और इन 175 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख है और इनको जनपद और गैर प्रांतों से भी इनको बरामद किया गया है। विभिन्न हमारी टीम्स ने जाकर बरामद किया है, तो इसके लिए हमारी जो सर्विलांस टीम है उसकी मेहनत को देखते हुए उनको मेरी ओर से 25,000 रुपये का पुरस्कार की घोषणा की जा रही है। हाथरस के मंडी समिति में पालेदारों का मजदूरी रेट को बढ़ाए जाने को किसानों ने विरोध किया है, जिसको लेकर किसानों ने सड़क जाम कर दिया। मंडी समिति का गेट बंद कर किसानों ने जमकर हंगामा किया है। किसानों के हंगामे की सूचना पर पहुंचे एसडीएम सदर और सीओ सिटी वार्ता कर किसानों को समझाने का प्रयास किया। वहीं मंडी में अनाज बेचने वाले किसानों का आरोप है कि 20 रुपये कुंटल कि मजदूरी पल्लेदारों ने बढ़ा दी है, जो गलत है। साथ ही रेट बढ़ने के बाद किसानों की धान खरीद का रेट मंडी व्यापारियों ने कम कर दिया है। गोरखपुर के कचहरी क्लब मैदान में इस बार 65 दुकानों के लाइसेंस आवंटित किए गए हैं और सभी दुकानदारों से 4500 रुपये शुल्क भी लिया गया है। वहीं दुकानदारों ने अपनी परेशानी बताते हुए 4500 रुपये का रसीद कटवाने के बाद भी जिला और नगर निगम प्रशासन हमें कोई सुविधा नहीं दे रहा है और टाउन हॉल के कचहरी क्लब मैदान में हर साल की तरह इस साल भी लाइसेंसी पटाखे की दुकान लगी है और इस मैदान के 65 दुकानों का लाइसेंस भी आवंटित किया गया है। लेकिन यहाँ के जो दुकानदारों ने उन्होंने बताया है कि 30 दिनों तक हमें यहाँ दुकान लगानी है और पूरे दिन रात हम यहाँ रहेंगे, लेकिन हमें डर है कि एक तरफ डेंगू का कहर जारी है, वहीं दूसरी तरफ इस मैदान में पूरी तरीके से घास फूस जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण कीड़े मकोड़ों और सांप के अलावा मच्छरों का भी डर हमें सता रहा है। पटाखे की दुकान तो काफी अरसों से लगती है टाउनहॉल में और एक बहुत क्रीम जगह पे लगती है कचहरी क्लब के मैदान में, लेकिन सफाई के नाम पे जीरो है। इस डेंगू के महामारी में कोई सफाई व्यवस्था, पूरे ग्राउंड में आप देख लीजिए, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। जो कि अधिकारियों ने फ़ोन करके निगम को बताया, हम लोगों ने अधिकारी से मिले, मिलने के बाद भी निगम में जो एरिया इंस्पेक्टर है उससे बात किया गया, वो कह रहा मेरे पास कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और समाजवादी नेता राजकुमार उर्फ चिंकू यादव की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव नेताजी को डुमरियागंज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। और इस कार्यक्रम में सपा विधायक सईदा खातून भी शामिल हुई। नेताजी देश के सबसे सफल रक्षा मंत्री रहे और पहले देश के जवान सरहद पर शहीद होते थे तो उनका पार्थिव शरीर उनके घर तक नहीं पहुंचता था, लेकिन नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए कानून पारित कर देश के शहीदों लालों का पार्थिव शरीर उनके घर चल राजकीय सम्मान के साथ पहुंचाने का काम किया था। वहीं सपा नेता राजकुमार ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने गरीबों मजदूरों के नेता थे, हमेशा गरीबी मजदूरों की लड़ाई लड़ी है और उन्होंने हमेशा कमजोर का उन्होंने साथ दिया है। तो आपको सिद्धार्थनगर से खबर बता रहे हैं जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आपको बता दें कि सपा नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। बताते चलें आपको कि समाजवादी पार्टी सिद्धार्थनगर में ही डुमरियागंज विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और समाजवादी नेता राजकुमार उर्फ चिंकू यादव की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव नेताजी को डुमरियागंज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। और इस कार्यक्रम में ही सपा विधायक सईदा खातून भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि नेताजी देश के सबसे सफल रक्षा मंत्री रहे और पहले देश के जवान सरहद पर शहीद होते थे तो उनका पार्थिव शरीर उनके घर तक नहीं पहुंचता था, लेकिन नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए कानून पारित कर देश के शहीद लालों का पार्थिव शरीर उनके घर राजकीय सम्मान के साथ पहुंचाने का काम किया था। वहीं सपा नेता राजकुमार ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने गरीबों मजदूरों के नेता थे, हमेशा गरीबों मजदूरों की लड़ाई लड़ी है और उन्होंने हमेशा कमजोर लोगों का साथ दिया है। हमारे कार्यालय पे नेताजी को श्रद्धांजलि, हमारे कार्यकर्ता साथी आए और सभी लोगों ने अपने विचारों को रखा, नेताजी के जीवन के बारे में बताया। आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता साथी आए, नेताजी से लोगों को बहुत लगाव था, बहुत उम्मीद थी। जो संघर्ष उन्होंने पूरा जीवन किया था उसके लिए अब एक एक बच्चा उनके लिए रो रहा है और तमाम दिल में उनके उबाल आ रहा है कि नेताजी रोते तो ऐसा होता, आज नेताजी नहीं है इस दुनिया में। लोगों ने बड़े श्रद्धा के साथ श्रद्धांजलि उनकी की और दो मिनट का मौन भी रखा। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा हरदोई पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के यहां आयोजित रामकथा में ही शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार 2017 से जब सत्ता में आई है सभी जाति धर्म का समन्वय हो गया है और इसके प्रयास कर रही है। और इसी के साथ ही जहां मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है वहीं संस्कृत विद्यालयों का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तो आपको हरदोई से खबर बता रहे हैं जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है संस्कृत विद्यालयों का हो रहा है आधुनिकीकरण। आपको बयान बता दें जहां पर हरदोई से बयान सामने आया है पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान जो है वो सामने आया लगता है। जो अल्पज्ञ हैं और जिनको हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में ज्ञान नहीं है वो इस प्रकार की भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रकार के वक्तव्य को भी दे सकते हैं। उनको योगी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का गीता का ज्ञान पढ़ने की जरूरत है, गीता का पाठ पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने मानव कल्याण की दृष्टि से असत्य पर सत्य की जीत कैसे हो इसके लिए उन्होंने सहयोग किया।
लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। अजय मिश्र टेनी ने प्रभात हत्याकांड की सुनवाई लखनऊ से हटाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने का अनुरोध किया था, लेकिन अब 10 नवंबर को लखनऊ हाईकोर्ट में ही सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे टेनी का वकील आए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में अपना पक्ष रखे। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता था और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज केशव प्रसाद मौर्य जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और मैं लखीमपुर से उनके साथ उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। पहले से ये जानकारी थी कि कुछ किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काले झंडे दिखाने का प्रयास है, लेकिन ये था कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएँ सामान्य होती हैं। मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को एसपी एमएलए के कोर्ट ने ही बेल दे दिया है। आपको बताते चलिए कि 2022 विधानसभा चुनाव में बिना अनुमति के रैली और ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के मामले में सदर कोतवाली में अब्बास अंसारी पर आचार संहिता के 2 मामले दर्ज किए गए थे। इतना ही नहीं, एक चुनावी जनसभा में हीट स्पीच देने का मामला भी दर्ज किया गया था और कोर्ट की कई तारीखों पर लगातार अनुपस्थिति चल रही थी और विधायक ने कल गुपचुप तरीके से ही सदर विधायक ने अदालत में समर्पण किया है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिसके बाद बदमाश तक उनको जमानत मिल गई है। माफ कीजिए, आपको बता दें कि बाद उसके बाद से ही शाम तक जमानत मिल गई है। यूपी के पीलीभीत में मोटरसाइकिल मैकेनिक की हत्या का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे में कर दिया है। मृतक मोटरसाइकिल मैकेनिक के ताऊ ने ही रंजिश के चलते अपने बेटे और एक नाबालिग की मदद से अपने भतीजे का कत्ल कराया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें पीलीभीत से खबर है जहां पर रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर ताऊ ने ही अपने भतीजे को मौत के घाट उतार दिया है। आपको बताते चले कि इसमें एक नाबालिग भी शामिल बताया जा रहा है। तीनों आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जांच के बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीलीभीत से खबर है जहां पर रिश्तों को तार तार करने वाली घटना सामने आई है। ताऊ ने अपने भतीजे का पुरानी रंजिश के चलते ही हत्या करवा दिया है और इसमें हत्या में शामिल भी बताया जा रहा है और इसके साथ ही जानकारी है कि एक नाबालिग भी इसमें शामिल है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धार्थनगर में अपराध निरीक्षक के वाहन चेकिंग के दौरान ही अचानक एक कार में आग लग गई, जिसके बाद से ही कार में धूं धूं कर जलने लगी। गनीमत यह रही कि कार में सवार चारों लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहीं पुलिस ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया है। तो खबर सिद्धार्थनगर से है जहाँ पर कार में आग लगने की घटना सामने आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अपराध निरीक्षक के वाहन चेकिंग के दौरान ही अचानक एक कार में आग लग गई थी, जिसके बाद गाड़ी जो है धू धू करके जलने लगी। गनीमत यह रही है कि कार में सवार चारों लोग पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। फरुखाबाद में पुलिस चौकी से कुछ दूर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, जिसके इलाके में ही हड़कंप मच गया है। जिसके बाद से और बताया जा रहा है कि घटना गैंग वार को लेकर हुआ है, जिसमें 2 अपराधियों का गैंग आपस में ही भिड़ गया और घटना में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। फरुखाबाद की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। 2 गुटों में आपसी झगड़ा बताया जा रहा है, जिसके बाद ये घटना सामने आई है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। पौड़ी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत एक राजस्व क्षेत्र के नाबालिग से ही छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें नाबालिग की मां तहरीर पर ही एक व्यक्ति के खिलाफ पोक्सो छेड़छाड़ और
SC ST की धाराओं में ही संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक दीपक बेलवाल के अनुसार बताया गया है कि आरोपी एक दुकानदार संचालक बताया जा रहा है, जहां बालिका दुकान में कुछ सामान लेने के लिए गई थी और इसी दौरान आरोपी ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि परिजनों को मामले की जानकारी तब मिली जब घर आकर नाबालिग बच्ची ने अपनी माँ को अपनी आप बीती बताई है। वहीं जानकारी देते हुए जिला अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोंगडंदे ने बताया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच रेगुलर पुलिस को सौंपी जा रही। अगरोड़ा क्षेत्र में जो है पटवारी को शिकायत प्राप्त हुआ था, वो शिकायत के आधार पर जो है तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और छेड़खानी का भी मामला बन रहा है उसको देखते हुए, और क्योंकि महिला जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है उसको देखते हुए SC ST एक्ट में भी जो है उसमें धाराएं जोड़ी गई हैं। विवेचना को जो है नियमित पुलिस को ट्रांसफर किया जा रहा है और एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से उसकी जाँच की जाएगी। आगामी दीपावली त्यौहार को शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न कराने जाने के लिए ही कोतवाली मंगलोर पुलिस क्षेत्र के ही समस्त CLG मेंबर और डिजिटल वॉलंटियर की कोतवाली मंगलोर परिसर में ही गोष्ठी आयोजित की और जिसमें दीपावली त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर अपील की गई है। गोष्ठी में कोतवाली प्रभारी राजीव रोथान ने बताया है कि दीपावली त्यौहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और अतिरिक्त पुलिस बल का भी गश्त भी बढ़ा दिया गया है। दीपावली और धनतेरस के त्यौहार को लेकर थाने के CLG मेंबरों की मीटिंग ली गई थी, जिसमें बताया गया था कि आगामी जो धनतेरस का त्यौहार है उसमें पैसों का लेन देन अधिक रहता है तो अधिक सतर्कता बरतें, और यदि कैश अधिक लाना ले जाना कहीं हो तो पुलिस की आवश्यकता की जरूरत पड़े तो पुलिस उसमें जनता की मदद की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है आगामी जो दीपावली के त्यौहार को लेकर ये बताया गया था कि आपसी भाईचारे और उससे सामंजस्य से दीपावली का त्यौहार मनाया जाए, यदि किसी को कोई आवश्यकता या समस्या की जरूरत पड़ती है समस्या होती है तो पुलिस को इसकी सूचना तुरंत दें और किसी भी प्रकार का जो है गलत मिसफीड ना किया जाए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।